If you only knew the power of the dark side. हाँ जी, जमाना है टाटा मोटर्स का, जमाना है डार्क गाड़ियों का, और जमाना है इंस्पायर होने का दूसरों से। और आई थिंक टाटा मोटर्स इंस्पायर हुए हैं MKBHD से। अब अगर आप नहीं जानते MKBHD कौन है, तो ही इज़ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर, द बिगेस्ट यूट्यूबर व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी वीडियोस। उनको जाके देखिए, और वो शौकीन है काली गाड़ियों के, ब्लैक चीज़ों के, हर चीज़ को कहते हैं मैट ब्लैक करो। और टाटा मोटर्स भी उनसे इंस्पायर हुए हैं। खैर, इसी मजाक की बात, ऑफिशियली टाटा मोटर्स नाउ लॉन्चिंग द डार्क एडिशन ऑफ द एल्ट्रोज, द नेक्सॉन, द नेक्सॉन ईवी, और हैरियर तो पहले से आती थी। अब सामने से भी आप देखेंगे एल्ट्रोज को, सबसे पहले इसी गाड़ी को कवर करते हैं। सब कुछ ब्लैक है, लेकिन जो ये है एक स्ट्रिप जो है क्रोम की, ये सिल्वर फिनिश में है। इससे गाड़ी का जो लुक है बहुत ही पॉश, प्रीमियम और बहुत स्पोर्टी लगता है। ये जो ब्लैक है कम्प्लीटली ब्लैक नहीं, जब पास से देखेंगे इसको शायद कैमरा पे दिख ना पाए, ये धूप में दिखेगा। हल्का सा इसमें ब्लू का भी शेड है, चमकीला ब्लू है, तो दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी नाइस अबाउट दिस कार। इट्स नॉट कम्प्लीटली ब्लैक का, इट हैज़ दैट स्मॉल एलिमेंट ऑफ डार्क ब्लू जो कि सफारी पे मिलता है। यहाँ पर हैशटैग डार्क का एक बैज लगा हुआ है टू शो दैट इट्स डार्क एडिशन। और नीचे आप देखेंगे तो एलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है थोड़ा सा फ़र्क है रेगुलर वर्जन से, और ये भी डार्क ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन है, डोल टोन में दे रखा है। इस पर्टिकुलर गाड़ी पे गुडियर के टायर लगे हैं, और ये 16 इंच के टायर हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइज। इट्स नॉट 15 इंच व्हील, इट्स अ 16 इंच व्हील मैकेनिकली, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई चेंजेस नहीं, आपको वही पेट्रोल और डीजल इंजन मिलेंगे। गाड़ी की जो प्राइस रेंज है वो भी हम आपके स्क्रीन पर डाल देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे वेरियंट्स इस पर्टिकुलर एल्ट्रोज के अवेलेबल हैं विद द डार्क शेड ऑन, तो वेरियंट्स की लिस्ट और प्राइस की लिस्ट आपके स्क्रीन पर डालते हैं। उसके बाद वापस पीछे की तरफ चलेंगे और गाड़ी को आपको साइड प्रोफाइल से दिखाएंगे। अगर बात करें साइड प्रोफाइल की, तो इट इज़ द रेगुलर एल्ट्रोज, कोई बॉडी में भी चेंजेस नहीं किया है। बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे किंक मिलता है, बड़ा ही फ्लोइंग सा डिज़ाइन है। और ये पीछे की तरफ जब जाएंगे तो यहाँ पर भी बहुत ही स्टाइलिश लुक है गाड़ी का। पीछे जब देखेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ लगेगी इस पर, वो है वोकल फॉर लोकल का स्टिकर, बिकॉज टाटा मोटर्स इज़ अ प्राउड इंडियन कार मेकर एंड देव पुट दिस स्टिकर ऑन द कार। बैक एंड पे भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ, ये अब टाटा मोटर्स ने ऐड जरूर कर दिया है कि पीछे बीच में एक बैज लगा रखा है एल्ट्रोज का, और ये सब गाड़ियों पे, नेक्सॉन पे भी है, हैरियर पे भी है, नेक्सॉन ईवी पे भी ये वाला बैज अब आएगा डार्क एडिशन पे स्पेशली। सो दिस समथिंग विच इज़ न्यू ऑन द कार, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक इट लुक्स वेरी नाइस, वेरी प्रीमियम एंड वेरी स्पोर्टी एज वेल। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और बताते हैं कि गाड़ी अंदर से देखने में कैसी है। बाहर से हमने आपको थोड़ा दिखा दिया, लेट्स गो इनसाइड एंड टॉक अबाउट द इंटीरियर्स ऑफ द एल्ट्रोज। हाँ जी, तो अंदर हम आ गए हैं गाड़ी के, काफ़ी अंधेरा लग रहा है गाड़ी के अंदर, लेकिन यहाँ पर भी सेम फिलॉसफी है, सब कुछ ही ब्लैक है, डार्क ग्रे है एकदम, हल्का शेड कोई भी नहीं है। तो उन लोगों के लिए अच्छी बात है, एक स्पोर्टी गाड़ी चाहते हैं, स्पोर्टी लुक की गाड़ी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं नीचे लाइट जल रही है, एम्बिएंट लाइटिंग बहुत ही प्यारा लग रहा है स्टाइल, और बहुत ही क्लासी इंटीरियर इस गाड़ी का, शुरू से क्लासी इंटीरियर रहा है और अब भी क्लासी इंटीरियर है। हरमान का आपको यहाँ पे स्टेरियो मिलता है, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट वंस इन द बिजनेस, एंड ऑफ कोर्स यू गेट द सेम फीचर्स विच यू गेट ऑन द रेगुलर वर्जन ऑफ द कार। सो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। क्वालिटी की बात करें, अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें और बाकी चीज़ों की बात करें, तो उस लिहाज से इट इज़ स्टिल क्वाइट गुड, एंड द सीट कम्फर्ट इज़ वेरी गुड। कपल ऑफ बेवरेज होल्डर्स ओवर हियर, यू ऑल्सो गेट अ ह्यूज ट्रे ओवर हियर, एंड द फिट एंड फिनिश ऑफ द मटीरियल्स इज़ क्वाइट गुड, एंड आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेटर कार्स इन दिस सेगमेंट। तो कैसा लगा आपको एल्ट्रोज का ऑल डार्क इंटीरियर, डार्क डिज़ाइन, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्सॉन की तरफ, विच इज़ द अदर कार विच हैज़ बीन गिवन दी डार्क ट्रीटमेंट, उसमें भी दिखाते हैं क्या क्या चेंजेस हैं, और फिर आपको लास्ट में हैरियर दिखाएंगे जो यहाँ पे खड़ी हुई है। हाँ जी, तो अब देखते हैं जल्दी से नेक्सॉन ईवी की तरफ। वेल, ईवी तो नहीं है ये, दिस इज़ दी रेगुलर नेक्सॉन, बिकॉज यहाँ पे शोरूम पे नहीं खड़ी है ईवी। सामने से देयर इज़ नो चेंजेस, ऑफ कोर्स यू सी दिस अगेन सेम ट्रीटमेंट, द सिल्वर स्ट्राइप इज देयर and all black in the front, looks very stylish. It'll remind you of Darth Vader. Of Darth Vader kaun the? I am your father. Mean machine lagti hai road pe jab inko dekhenge, dark editions ko, khas taur pe is wali ko, aisa lagta hai ki gaadi ki personality mein ekdam tabdili aa gayi hai, change ho gayi hai. Side profile ki agar baat kare to side pe jab aap aayenge to aapko yahan par Nexon ka ek chhota sa badge dikhega, black mein hai, bhi all black kar diya hai badges ko. प्रोजेक्टेड लैंप्स तो पहले भी आती थी टॉप एंड वर्जन में, इसमें भी आती हैं। यहाँ पर अगेन एक और बैज लगा रखा है डार्क का, और गाड़ी पूरी तरह से
काली नहीं है, विच इज़ गुड थिंग, क्योंकि अगर पूरी काली हो जाती गाड़ी तो हॉट लगता था वो, इसलिए यहाँ पे क्रोम की इन्होंने पूरा स्ट्रिप दे रखी है और ऊपर भी जो रूफ रेल है वो भी सिल्वर कलर की फिनिशिंग में है, तो ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। इट लुक्स वेरी प्रीमियम, वेरी क्लासी। टायर्स की बात करें तो इफ़ यू लुक एट द एलॉय व्हील डिज़ाइन, इट्स स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर वर्जन ऑफ द कार। जो रेगुलर वर्जन आती है उससे फर्क डिज़ाइन है, 16 इंच की पहिए हैं बट डिज़ाइन थोड़ा सा तब्दील कर दिया, थोड़ा मस्कुलर ज़्यादा लगता है, और गाड़ी का जो स्टांस है, ओवरऑल लुक एंड फील है वो भी काफ़ी अच्छा है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, इट्स नॉट अ कम्प्लीटली ब्लैक ब्लैक एडिशन, चमकीला ब्लैक है, इट्स गॉट अ लिटिल ऑफ स्पार्कल एलिमेंट्स इन इट एंड स्लाइट स्पार्कल शेड ऑफ ब्लू विच लुक वेरी गुड ऑन द साइड प्रोफाइल। ऑन द बैक प्रोफाइल अगेन यू गेट दिस वोकल फॉर लोकल वाला स्टिकर विच अगेन शोज टाटाज ओन प्राइड इन देयर कार्स एंड द मैनुफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज। And again you get this Nexon badging in black over here which is very difficult to read, pata nahi kaun padh payega isko road pe chalte hue, aur Nexon ek aisi gaadi hai jo alag hi dikhti hai road pe, to ye badge ki zarurat nahi, sab pehchan jate hain ki Tata ki Nexon hai, ye style iska kafi alag hai। Anyway, gaadi ke andar chalte hain, aapko dikhate hain gaadi andar se kaisi hai। Haan ji, to main aa chuka hu gaadi ke andar aur ek baar ye phir se karte hain। Tata ki har gaadi mein baithte ho ekdam se, jab aap baithte hain ये जब आवाज़ आती है तो एक सॉलिड फील और कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको। सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से तो गाड़ियाँ आगे हैं, लेकिन बिल्ड क्वालिटी भी इन गाड़ियों का काफ़ी बेहतरीन है। अगर हम सीट कंफर्ट की बात करें तो आई थिंक द नेक्स्ट वन इज़ द बेस्ट सीट्स इन दिस सेगमेंट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ये सीट्स, ना सिर्फ इस सेगमेंट में बल्कि 15 लाख तक के रेंज में। आई थिंक द नेक्स्ट वन इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीट्स ऑन ऑफर, बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है ही। अगर हम बात करें कैबिन की इन पर्टिकुलर, अगेन यू गेट नेक्स्ट वन बैच, टू मैनी नेक्स्ट वन बैच इन साइड दिस कार। व्हाट डू यू थिंक, डू यू लाइक ओवर बैजिंग ऑफ अ कार और यू थिंक दैट इट शुड नॉट बी डन? कोई अपनी गाड़ी में बैठ के से भूलता नहीं मेरे पास गाड़ी कौन सी है, तो ये आई थिंक ओवर हो गया है। सिर्फ जर्नलिस्ट ही, कई बार गाड़ियाँ जब जंप करते हैं तो कन्फ्यूज आते हैं कौन सी गाड़ी में, क्योंकि जर्नलिस्ट के पास गाड़ियाँ बहुत सारी आती हैं, थोड़े पैम्पर्ड होते हैं जर्नलिस्ट ज़्यादातर, तो वो भूल सकते हैं, हो सकता है उनके लिए लगाइए लेकिन ये तो मजाक की बात थी। सीट कम्फर्ट अच्छा है, सब कुछ यहाँ पे ऑल डार्क है, जो यहाँ सिल्वर एलिमेंट्स थे रेगुलर गाड़ी में हटा के ब्लैक कर दिया गया है, ये भी ब्लैक है, और हरमन का सिस्टम यहाँ पर भी आपको मिलता है, विच इज़ अगेन वन ऑफ द बेस्ट स्टीरियोस इन द बिजनेस। अब बैक सीट आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि बैक सीट हम बहुत बार दिखा चुके हैं, पीछे भी सब कुछ डार्क है, और लाइट के लिए यहाँ पे आप सनरूफ को खोल सकते हैं। सो ओवरऑल आई थिंक द टाटा मोटर्स डन अ वेरी गुड जॉब विद दीज एडिशंस। द पर्सनालिटी ऑफ द कार कम्प्लीटली चेंजेस विद द लुक एंड द फील ऑफ द ब्लैक कलर, द ब्लैक शेड, एंड द डेफिनेटली लुक वेरी मीन, वेरी स्पोर्टी, वेरी मस्कुलर ऑन द आउटसाइड। और पीछे हैरियर भी खड़ी है, वेल वैसे तो हम ये गाड़ी आपको पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन मैंने कहा खड़ी हुई है तो एक बार ही दिखाई देते हैं। ये ऑफ कोर्स है हैरियर का डार्क एडिशन, द डार्क वर्जन, द हैशटैग डार्क एडिशन ऑफ द कार। फ्रंट एंड पे कोई चेंज खास नहीं है, लेकिन ग्रिल कम्प्लीटली ब्लैक कर दी गई है, और इसके नीचे कोई भी सिल्वर स्ट्राइप नहीं है, तो इट्स अ वेरी वेरी मीन लुकिंग कार। जब कोई कस्टमर या कोई ड्राइवर इस गाड़ी को अपने शीशों में देखेगा पीछे आते हुए, तो अपने आप ही साइड हो जाएंगे, एक बार आपको सिर्फ लाइट फ्लैश करनी पड़ेगी एंड पीपल विल मूव आउट ऑफ द वे, बिकॉज इट रियली डज लुक वेरी पावरफुल एंड वेरी मस्कुलर। साइड प्रोफाइल की बात करें अगर, अगेन यू गेट द सेम बैज ओवर हियर। टायर जो इसमें हैं ये चेंज कर दिए गए हैं, दे हैव डिफरेंट व्हील्स ऑन दिस कार, स्लाइटली बिगर व्हील्स एक्चुअली ऑन दिस कार। 18 इंच के पहिए हैं, आमतौर पर थोड़ा छोटा साइज आता है, तो इट्स अ गुड थिंग क्योंकि गाड़ी फ्लश लगती है, बड़ी लगती है। एंड अगेन द साइड इज़ रेगुलर वर्जन ऑफ द कार की तरह ही, बट ऑफकोर्स यू गेट ऑल ब्लैक। इसके अंदर कोई भी क्रोम स्ट्रिप या फिर सिल्वर लाइनिंग कुछ नहीं कर रखा है, कम्प्लीटली ब्लैक डिज़ाइन है। जो एलॉय व्हील्स हैं जैसे मैंने आपको सामने बताया, उनका डिज़ाइन भी चेंज है, फ़र्क है। और जो ये शेड है, ये कम्प्लीटली ब्लैक शेड नहीं है, बहुत डार्क ग्रे है, तो दूर से ये आपको अच्छा लगेगा। पीछे आए तो अगेन वेरी नाइस लुकिंग डिज़ाइन, आई थिंक दी हैरियर वन ऑफ द बेटर लुकिंग कार्स ऑन द रोड्स। ऑफकोर्स अनदर बैज ओवर हियर, टाटा मोटर्स नाउ इंट्रोड्यूस बैजेस ऑन ऑल देयर कार्स एट द बैक विद द डार्क एडिशन। और क्लोजली आप इसको देखेंगे गाड़ी को, तो यहाँ पे आपको बब्बर शेर दिखाई देगा। अब ये बब्बर शेर है कि टाइगर है मालूम नहीं, लेकिन दो और हैं साथ में। कुछ लोगों ने पिछले कमेंट्स में मेरे सेक्शन में लिखा था कि ये हैरियर है, ये नेक्सॉन है, और ये HBX है जो आने वाली है, ये पीछे चल रही है। तो हो सकता है कि टाटा मोटर्स भी शायद ये बताना चाहते हो कि बहुत जल्द हमारे पास दो गाड़ियाँ और आने वाली हैं, एक गाड़ी और आने वाली है HBX के फॉर्म में। एनीवेज़ ये तो सब अपने हिसाब से सोचते हैं, बट टाटा मोटर्स अपनी गाड़ी में छोटे छोटे ऐसे डिज़ाइन या एलिमेंट्स छोड़ देता है जिससे कि गाड़ी का लुक अच्छा होता है। एनीवेज़ अब अंदर चलते हैं, पास से हमने गाड़ी देख ली, अंदर से बताते हैं गाड़ी कैसी है बैठने में। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर। अब जैसे मैंने आपको बाहर बताया था कि जो ये ब्लैक कलर है, ये कम्प्लीटली ब्लैक तो है, लेकिन इसके अंदर हल्का सा स्पार्कली कलर है ब्लू का, हल्का सा जब धूप में रखेंगे गाड़ी को, लाइट्स के नीचे रखेंगे तो एक स्पार्कल दिखेगा, ब्लू, डार्क ब्लू बिल्कुल। और वो आप अंदर भी देख सकते हैं, जो सीट्स हैं तो ये ऑल ब्लैक, लेकिन डिज़ाइन के ऊपर इनका हल्का हल्का ब्लू शेड है, बहुत करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा।
So that is a very unique element. It shows you the attention to detail that Tata Motors is giving to their cars. Overall, very solid car, very well put together, great features list, panoramic sunroof, very comfortable seats, different traction modes, driving modes. Really, it is a fantastic car in that sense. And of course, you also get one of the best stereo systems. Abhi band hai gaadi, kyunki kafi log isko shoot kare to shayad battery down ho gayi hai. But if you want to see my full review of the Harrier, if you want to check out how it is against its rivals, then I'll put the link in the description box below. And also, you can check out this pop-out banner and click on it. Anyways, guys, these were the three cars, the Dark Edition cars today. I think, as I just said, Tata Motors has done a fantastic job. And they definitely deserve all the kudos for trying hard to deliver different experiences to different customers. आप कैसी लगी गाड़ी आप मुझे बता सकते हैं नीचे कमेंट्स में लिख के और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो प्लीज़ डोंट लीव विदाउट सब्सक्राइबिंग क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से आपके कमेंट्स से आपके लाइक से और डिसलाइक से भी हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इट्स बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग I'm gonna go get some more.